भारत हर साल 2.4 से 2.5 करोड़ टन यूरिया का उत्पादन करता है, लेकिन घरेलू मांग उत्पादन से अधिक है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 80 से 90 लाख टन यूरिया का आयात करना पड़ता है। सरकार समय समय पर यूरिया की आवश्यकता, मांग, आपूर्ति और कीमतों का आकलन करके आयात की अनुमति देती है। सरकार ने इस साल अप्रैल जुलाई तिमाही के दौरान चीन से लगभग 10 लाख टन यूरिया आयात करने की जानकारी दी थी। अब चीन ने घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत अब मुख्य रूप से रूस और मिश्र से यूरिया का आयात कर रहा है। देश में खाद की कमी के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने 16 लाख टन यूरिया के आयात को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से खाद की कमी से जूझ रहे किसानों की परेशानी दूर होने की उम्मीद है। देश में अभी रबी फसलों की बुआई चरम पर है और अलग अलग राज्यों से किसान खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं। उर्वरक मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि आयातित खाद का 10 लाख टन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पर आएगा, जबकि 6 लाख टन पूर्वी तट पर। आयातित खाद के देश में पहुंचने के बाद इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL को घरेलू बाजार में आपूर्ति के लिए दे दिया जाएगा। देश की कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 55% है। चूंकि गैर यूरिया किस्मों की लागत अधिक होती है, इसलिए किसान अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करना पसंद करते हैं। यूरिया के 45 किलोग्राम बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 है और 50 किलोग्राम बैग की कीमत 268 रुपये है, जबकि DAP के 50 किलो बैग की कीमत 1200 रुपये है। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर के दौरान खरीफ बुआई के मौसम के लिए यूरिया की आवश्यकता 17.75 मिलियन टन थी, जबकि उपलब्धता 20.82 मिलियन टन और 16.56 मिलियन टन की बिक्री हुई थी। वर्तमान रबी बुआई सीजन के लिए मांग इसकी 17.9 मिलियन टन आंकी गई है, जबकि 24 नवंबर को उपलब्धता 5.44 मिलियन टन थी। इसी रबी सत्र में 1 अक्टूबर से 4.41 मिलियन टन यूरिया की बिक्री हो चुकी है। ऐसे में इस सत्र के लिए अब सिर्फ 8 मिलियन टन यूरिया किसान को उपलब्ध कराया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।